ये प्रॉब्लम वेक्टर्स का है. इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री यूनिट वेक्टर्स सच दैट मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर प्लस मॉड ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू 8, देन फाइंड ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस मॉड ए प्लस 2c वेक्टर होल स्क्वायर इज. तो हम लोगों को जो गिवन है पहले उसको ओपन करते हैं, क्या बनेगा ये मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 8. और हमें गिवन है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है. तो मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी ये 1 हो जाएगा. तो यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 8. माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2. अब जो फाइंड करना है उसको ओपन करते हैं हम लोग. मॉड ए का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड 4 टाइम्स सी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. अब इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे और मॉड ए वेक्टर की जगह 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसकी वैल्यू 2 है. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 है इसकी वैल्यू. तो 10 प्लस 4 टाइम्स माइनस 2 10 माइनस 8 तो आंसर इज